नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ड्रैगन ने भारत से पंगा तो लिया, उसने सोचा कि भारत भी पाकिस्तान की तरह कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा सीमा पर लड़ाई ही तो होगी। अब चीन पढ़कर तो आया था चौराहे पर मिलने वाली काली और लाल टोटके वाली किताबें, पर एग्जाम में पूछ लिया गया सिलेबस से हटकर, तो अब चीन के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप खुद ही देखिए, पहले तो चीन ने भारत से चावल खरीदने की बात कही, जिस चावल को वो क्वालिटी की बात कहकर कभी नहीं लेता था, आज जब भूख लगी तो मजबूर होकर भारत के पास दौड़ा दौड़ा आया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बनाने की बात कही और अब कह रहा है कि हम दोनों देशों से बात करने के बाद ही कुछ फैसला लेंगे। हमेशा दादागिरी दिखाने वाला चीन इतना नरम कैसे हो गया? इसकी वजह केंद्र सरकार के कठोर फैसले हैं। चीन विश्व में व्यापार के दम पर अपनी ताकत दिखाता है और भारत ने इसी ताकत को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। पहले तो कई सारे ऐप्स बंद कर दिए गए और अब व्यापार में भी भारत ने बड़ा खेल कर दिया। दरअसल लद्दाख सीमा पर चल रहे विवाद के बाद मोदी सरकार ने कई सारे कारोबारी समझौते रद्द कर दिए और सैकड़ों मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए गए। इस फैसले के बाद वैसे ही चीन की हालत पतली हो गई थी। अब भारत ने चीन की अकड़ तोड़ने के लिए एक और काम किया है। भारत ने कुछ महीनों में चीन से आयात बहुत कम कर दिया है, यानी कि वहां से सामान कम खरीदा जा रहा है, और चीन को निर्यात करना बढ़ा दिया, यानी कि वहां पे हम अपना सामान ज्यादा बेच रहे हैं। आंकड़ों की ओर देखें तो भारत की ओर से चीन को 2020 के पहले 11 महीनों में किया गया निर्यात 16% बढ़ा है और भारत ने चीन से 13% कम आयात किया है, यह दावा किया है चीनी मीडिया ने। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे विरोध के बाद भी राजनीतिकरण नहीं किया, जबकि नई दिल्ली ने चीन से होने वाले आयात पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने भी कहा है कि महामारी के चलते भारत में डिमांड घटी है, इससे चीन का भारत को निर्यात काफी कम हुआ है। सोमवार को जारी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन ने जनवरी में नवंबर 2020 तक भारत में करीब 59 अरब डॉलर के उत्पादों को निर्यात किया, जो 13% से कम है। इस साल पहले 10 महीनों में 16.2% गिरावट के मुकाबले ये गिरावट थोड़ी कम हुई है। तो अब सौ बात की एक बात यह है कि चीन ने हमारे सैनिकों की जान ली थी, हमारी सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके तकरीबन 40 से 50 सैनिक मार गिराए गए और बेशरम चीन वो आंकड़ा भी नहीं बता पा रहा। और इधर मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके चीन की पतलून ढीली कर दी है, फिर भी चीन कुछ मानने को तैयार नहीं है। चीन की दोस्ती का आलम यह है कि अब बाकी देश भी चीन की चालबाजियों को समझ रहे हैं, वहीं आत्मनिर्भर भारत से भी चीन को तगड़ा झटका मिलेगा। यही वजह है कि चीन अब नरम पड़ते जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।